नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 मार्च 2019 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले हमारा आज का इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम के बारे में। पहले आप मुझे ये बताइए, एनर्जी मॉडलिंग का क्या मतलब है? देखो, एनर्जी मॉडलिंग में क्या होता है, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया जाता है एनर्जी सिस्टम को एनालाइज करने के लिए। जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के स्वरूप को सॉफ्टवेयर की फॉर्म में तैयार कर लिया गया है। इसके बाद एनालाइज किया जाता है बिल्डिंग के इस हिस्से में एसी लगाए जाएंगे तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, इस हिस्से में वाटर हीटर लगाया जाएगा तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, सब कुछ एनालाइज किया जाता है सॉफ्टवेयर की सहायता से। यानी बिल्डिंग को सिमुलेट कर दिया जाता है और उसके बाद बिल्डिंग में कहाँ कहाँ पे इक्विपमेंट्स को लगाने से कितनी एनर्जी कंज्यूम हो सकती है, उन सब चीज़ों को एनालाइज किया जाता है और इसे कहा जाता है एनर्जी मॉडलिंग। और अभी फिलहाल कंटेक्स्ट ये है, नीति आयोग और यूएस एड ने मिलकर, यूएस एड का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएस एड और नीति आयोग ने मिलकर फर्स्ट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम को डेवलप करने के लिए। देखो, इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम ये एक प्लेटफॉर्म होगा जिस पर एनर्जी सेक्टर से जुड़े विभिन्न स्टेक होल्डर्स आएंगे और डिबेट करेंगे कि इंडिया का एनर्जी फ्यूचर क्या होगा, कुछ ऐसे आइडियाज जिससे हम एनर्जी को और ज़्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं, और सिनेरियो प्लानिंग पर भी डिस्कशन होगा। सिनेरियो प्लानिंग क्या होता है? सिनेरियो प्लानिंग का देखो सिंपल मतलब ये है कि फ्यूचर किस प्रकार से अनफोल्ड होगा, कौन कौन से इश्यूज फ्यूचर में कन्फ्रंट कर सकते हैं, उनके लिए पहले से तैयार रहना, पहले से प्लान करके रखना। वैसे आम तौर पर सिनेरियो प्लानिंग में लॉन्ग टर्म फ्यूचर पर फोकस किया जाता है, लेकिन एक टेक्निकली इनकोरेक्ट एग्जांपल हम समझें, जैसे देखो इंडिया ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक्स किए तो हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने पहले सब कुछ प्लान करके रखा होगा कि अगर पाकिस्तान का रिएक्शन ये आता है तो उसके बाद हम ये कार्रवाई करेंगे। मतलब एयर स्ट्राइक्स से जो भी इश्यूज इमर्ज होके आ सकते हैं उनसे किस प्रकार से डील किया जाएगा, ये सब हमारे देश के डिसीजन मेकर्स ने पहले से सोचा होगा, उन्होंने हर तरह के सिनेरियो के लिए प्लानिंग की होगी। तो ये एक एग्जांपल है सिनेरियो प्लानिंग का। वैसे आमतौर पर लॉन्ग टर्म फ्यूचर पर फोकस किया जाता है सिनेरियो प्लानिंग में। हम बात कर रहे थे इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम के बारे में। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर एनर्जी सेक्टर से जुड़े विभिन्न स्टेक होल्डर्स आएंगे, हमारे इंडिया के एनर्जी फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे, एनर्जी एफिशिएंसी से संबंधित आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे, सिनेरियो प्लानिंग को डिस्कस करेंगे। और ये प्लेटफॉर्म एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन भी इस्टाब्लिश करेगा विभिन्न एनर्जी मॉडलिंग टीम्स के बीच, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच और नॉलेज सेंटर्स के बीच, थिंक टैंक्स के बीच। कैपेसिटी डेवलप की जाएगी इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस की, और जॉइंट मॉडलिंग एक्टिविटीज़ में जो भी इश्यूज आते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और हमारे देश में एनर्जी सेक्टर में रिसर्च को कैसे प्रमोट किया जा सकता है इस बात पर भी फोकस किया जाएगा। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में है, यानी MPATGM। मैन पोर्टेबल इसलिए क्योंकि इसे कंधे से लॉन्च किया जा सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस मिसाइल को ले जाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। और ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल का मतलब ये है कि एक बार इस मिसाइल को लॉन्च करने के बाद ऑपरेटर को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं है, आप लॉन्च कीजिए और भूल जाइए। DRDO ने इसे डेवलप किया है, ये स्वदेशी मिसाइल है। अगर UPSC क्वेश्चन पूछ लेती है क्या हमने इसे USA से इम्पोर्ट किया है, रशिया से इम्पोर्ट किया है, नहीं भैया, हमने इसे खुद से ही बनाया है। स्ट्राइक रेंज है 2.5 किलोमीटर की। वेट कितना है याद रखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे दिया हुआ है 14.5। वेट वगैरह UPSC नहीं पूछती मिसाइल का, रेंज पूछ लेती है। रेंज पहले भी पूछे हैं लेकिन वेट नहीं पूछती, तो वेट को आप इग्नोर कर सकते हो एक बार नज़र डाल के। लास्ट में तो सिंपल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है इफ़ेक्टिव रूप से ना सिर्फ स्टेशनरी टारगेट्स के अगेंस्ट बल्कि मूविंग टारगेट्स के अगेंस्ट भी। इसे डिप्लॉय किया जाएगा इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री बटालियन में और पैराशूट बटालियन में भी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2019 के बारे में है। ये फेस्टिवल
ऑर्गेनाइज हो रहा है, कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में। राष्ट्रपति ने इनाग्रेशन किया इस फेस्टिवल का, छोटा नाम है फाइन। और इस इनिशिएटिव को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है राष्ट्रपति भवन के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के साथ मिलके। देखो, ये जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है ना, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2000 में। हम बात करें इस फेस्टिवल की, ये फेस्टिवल है क्या? इस फेस्टिवल में देखो, जो यंग इंडियंस हैं, जो यूथ हैं, वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को शो कर सकते हैं, और दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री से जुड़े लोग या फिर जो इन्वेस्टर हैं, वो इस फेस्टिवल में आएंगे, देखेंगे कि आपके पास इनोवेटिव आइडिया है, हमारे पास पैसे हैं, हम आपके आइडिया को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो इससे इनोवेटर्स के बीच और दूसरे स्टेक होल्डर्स के बीच लिंकेजेस इस्टेब्लिश होंगी, और वो यूथ जिनके पास नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उन आइडियाज़ का समाज की भलाई के लिए यूटिलाइजेशन हो सकेगा। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया, फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2019, इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है गांधीनगर गुजरात में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंकिंग 2019 के बारे में है। देखो, ये जो मर्सर है ना, ये एक प्राइवेट कंसल्टिंग फर्म है, मतलब कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिर्फ एक प्राइवेट कंसल्टिंग फर्म है। इस प्राइवेट कंसल्टिंग फर्म के द्वारा हर एक साल क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंकिंग 2019 जारी की जाती है, जिसमें वर्ल्ड की विभिन्न सिटीज़ को रैंकिंग दी जाती है मर्सर के द्वारा, और ये बताया जाता है कौन सी वर्ल्ड की सिटी ज़्यादा रहने लायक है। तो अब कंटेस्ट ये है, 21वां एडिशन रिलीज किया गया मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंकिंग का, और इस रैंकिंग में वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वियना को टॉप रैंकिंग दी गई। ये लगातार 10वीं बार है कि वियना को क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया है, और दूसरा स्थान दिया गया है ज्यूरिक को। वेस्टर्न यूरोप की सिटीज़ को ज़्यादा स्थान प्राप्त हुआ है इस रैंकिंग में। लग्जमबर्ग सेफेस्ट सिटी है पूरे वर्ल्ड में, और लंदन सबसे ज़्यादा बेस्ट सिटी है यूके में रहने लायक। इंडियन सिटीज़ की बात करें तो चेन्नई, जो कि राजधानी है तमिलनाडु की, चेन्नई को 105वां स्थान प्राप्त हुआ है इस रैंकिंग में, और रैंकिंग जारी की गई थी 231 सिटीज़ के लिए। चेन्नई के बाद नंबर आता है बेंगलुरु का, बेंगलुरु को इस रैंकिंग में 149th स्थान मिला है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख के मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंकिंग 2019 पब्लिश की गई है। ये फैक्टर्स तो आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि देखो, जैसा शुरुआत में मैंने आपको बताया कि मर्सर जो है वो एक प्राइवेट कंसल्टिंग फर्म है। मर्सर जैसी और भी बहुत सारी प्राइवेट कंसल्टिंग फर्म होगी जो इस प्रकार की रैंकिंग जारी करती होंगी। तो जो प्राइवेट कंपनीज की, प्राइवेट कंसल्टिंग फर्म्स के द्वारा रैंकिंग जारी की जाती है ना, वो रिलेटिवली कम इम्पोर्टेंट होती हैं, जबकि जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल यूएन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनके द्वारा कोई रैंकिंग पब्लिश की जाती है, इंडेक्स पब्लिश किया जाता है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ, जैसे टाइम्स एक मैगजीन है, उस मैगजीन के द्वारा यूनिवर्सिटीज़ की एक रैंकिंग जारी की जाती है, वो इम्पोर्टेंट नहीं होती, मतलब समझ गए। ये जो प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा चीज़ें जारी की जाती है ना, उन पे यूपीएससी फोकस नहीं करती। उसी प्रकार से कोई अवार्ड्स हैं, हमारे देश में बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं मूवीज से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से संबंधित, प्राइवेट अवार्ड्स पे यूपीएससी कम फोकस करती है, जबकि गवर्नमेंट अवार्ड्स के ऊपर कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे 2015 में एक क्वेश्चन पूछा था पीस प्राइज के बारे में, उस समय इसरो को मिला था। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंकिंग 2019 के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल देखो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स फॉर इंडिया के बारे में है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स फॉर इंडिया जारी किया है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन फिर से आर्टिकल पब्लिश हुआ है तो रिवाइज कर रहे हैं काइंड ऑफ। देखो, हिमालयन रीजन में जो 12 हमारे राज्य आते हैं, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर
और वेस्ट बंगाल के हिली डिस्ट्रिक्ट से। हिमालयन रीजन के इन 12 राज्यों के लिए क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जारी किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंडियन साइंटिस्ट ने। और इस इंडेक्स को तैयार करते वक्त जो IITs और IISc हैं उनके साइंटिस्ट ने भी हिस्सा लिया। काफ़ी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा इस इंडेक्स को तैयार करते वक्त, जैसे किसी स्टेट में सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे हैं, डेमोग्राफिक एंड हेल्थ स्टेटस कैसे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की सेंसिटिविटी कैसे हैं, फॉरेस्ट डिपेंडेंट लाइवलीहुड कैसा है, और इसके बाद एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हिमालयन रीजन में आने वाले 12 राज्यों के लिए ये इंडेक्स पब्लिश किया गया। अगर किसी का स्कोर 0 है इसका मतलब वो राज्य लीस्ट वल्नरेबल है, और अगर किसी का स्कोर 1 है तो इसका मतलब वो राज्य सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। असम का जो स्कोर है वो 0.72 है और वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा स्कोर असम का ही है, यानी सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल राज्य है वो असम है। उसके बाद नंबर आता है मिजोरम का, और सबसे कम जो वल्नरेबल राज्य है वो सिक्किम है। सिक्किम का स्कोर है 0.42। और इन राज्यों के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स का भी देखो अलग अलग स्कोर है। जैसे असम के अंदर जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों का सेम स्कोर नहीं है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में, अलग अलग ज़िलों का अलग अलग स्कोर है, क्योंकि हर एक जो ज़िला है उसकी ज्योग्राफिक सिचुएशन अलग है, क्लाइमेट, सोशो इकोनॉमिक और जो डेमोग्राफिक कंडीशंस हैं वो अलग हैं। इस वजह से स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका भी अलग स्कोर है इस क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता है, UPSC पूछ सकती है ये इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, क्या ये कोस्टल स्टेट्स के लिए है? नहीं भैया, ये कोस्टल स्टेट्स के लिए नहीं है, ये हिमालयन रीजन में आने वाले राज्यों के लिए है। और उल्टा करके UPSC पूछ सकती है, क्या किसी का स्कोर अगर 0 है इसका मतलब क्या वो राज्य मोस्ट वल्नरेबल है? नहीं, उल्टा है। चलते हैं आगे। लास्ट आर्टिकल F इंडेक्स 19 के बारे में है। अफ्रीका के 16 देशों की मिलिट्री और इंडिया की आर्मी के बीच ऑर्गेनाइज होने वाली ये जॉइंट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। 18 मार्च से ये एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। और सिंपल बातें हैं, जैसे अफ्रीका के 16 देशों की मिलिट्री को सीखने को मिलेगा कि कैसे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के ऑपरेशंस चलाए जा सकते हैं, कैसे पीस कीपिंग ऑपरेशंस चलाए जा सकते हैं, और इंडिया की मिलिट्री को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस एक्सरसाइज से। तो UPSC पूछे F इंडेक्स 19 एक्सरसाइज क्या है, अफ्रीका के 16 देश की मिलिट्री और इंडियन आर्मी के बीच ऑर्गेनाइज होने वाली ये जॉइंट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने एफ इंडेक्स 19 के बारे में डिस्कस किया, इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम के बारे में डिस्कस किया, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में डिस्कस किया, हमने फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2019 के बारे में जाना, हमने मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंकिंग 2019 के बारे में जाना, हमने क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स फॉर इंडिया के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।